की आपको याद होगा, जिनके सीने में इसलिए गोली दाग दी गई थी क्योंकि वो पहाड़ पर पाया गया था। क्या पहाड़ पर चढ़ना हमारा गुनाह है? आज माननीय राज ठाकरे, माननीय ओवैसी साहब को दिखता है अगले समुदाय का दर्द, क्या हमारा नरसंहार किसी को दिखा है? इसलिए आज हम चाहेंगे, माननीय एसपी साहब मौजूद हैं, माननीय डीएसपी साहब मौजूद हैं और मीडिया जगत के जितने भी लोग मौजूद हैं, केवल दो पक्ष रखा जाए, एक पक्ष ना सुनी जाए। ये पहाड़ हमारा है, यहाँ सदियों से बास करते हैं, यहाँ से हम लोग, हमारी दिनचर्या का संचालन होता है, ये हमारे आस्था का केंद्र है। अब तो हम चाहेंगे अंतिम एक मिनट कहेंगे कि हमने क्या नहीं दिया। जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, और आपने यही पीठ चाड़ के, मैं चार बेटों का नाम लूंगा, मिहिर बेसरा, किशोर हासदा, अजय महतो और संजय महतो, आपने नक्सली बना दिया। आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया, आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया और आपने हमारे बेटों को नक्सली बना दिया। ये खेल कब तक होगा? ये अन्याय का खेल कब तक होगा? इसलिए नौजवानों, समय नहीं है, फिर आंदोलन होगा, हम लोग फिर अपनी बातों को रखेंगे और रणनीति फिर तैयार करेंगे, क्योंकि पिछले साल भर में हमने दिखा दिया है कि आंदोलन के माध्यम से आज झारखंड जिंदा है। इसलिए आज आप लोग भी धैर्य रखेंगे, हम मानते हैं आप युवा अवस्था में हैं, थोड़ी सी आक्रामकता दिखती है, लेकिन अंततः आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग अनुशासन का धीरज रखेंगे। पारसनाथ के लिए अभी हमें बहुत आंदोलन करना है और तमाम आज जितने भी मीडिया हाउस आए हैं, चाहे प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उन्हें यही कहना चाहेंगे, जिस समुदाय विशेष की आज यहाँ पक्ष लिया जा रहा है, उनका एक डिसमिल जमीन नहीं है, उन्होंने जहाँ कोठी बनाया है वो सीएनटी की जमीन है, इस बात को भी जानना होगा। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन कर, आप इस बात को विस्तार